भाइयों और बहनों, आज से जो काम यहां शुरू हो रहा है, ये काम 8-9 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। कोरबा की इस फैक्ट्री को बनाया ही इसलिए गया था कि यहां आधुनिक राइफल बनाई जाए, लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अमेठी की ये फैक्ट्री इस बात की गवाह है कि पहले कैसे हमारी सेना और सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना ने साल 2005 में आधुनिक हथियार की अपनी जरूरत को तब की सरकार के सामने रखा था। इसी के देखते हुए अमेठी में इस फैक्ट्री के लिए काम शुरू हुआ। आपके यहां के सांसद जब 2007 में इसका शिलान्यास किया, तब ये कहा गया था कि साल 2010 से इसमें काम शुरू हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ क्या? उन्होंने कहा था कि नहीं किया, कहा था? उनकी सरकार ठीक नहीं थी, वो जो कहे वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हुआ क्या? अरे जो इतना ही नहीं कर पाते उनका भरोसा काहे को करते हो? लेकिन साथियों, काम शुरू होना तो दूर, शिलान्यास के बाद के 3 साल तक पहले की सरकार ये ही तय नहीं कर पाई कि यहां के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस तरह के हथियार बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये फैक्ट्री बनेगी कहां, इसके लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई गई। साथियों सोचिए, जिस फैक्ट्री में साल 2010 में काम शुरू हो जाना चाहिए था, उसकी बिल्डिंग 2013 तक लटकी रही। बिल्डिंग बनने के बाद जैसे तैसे यहां काम तो शुरू हुआ, क्योंकि सामने चुनाव था, कुछ तो दिखावा करना जरूरी था, लेकिन आधुनिक राइफल तब भी नहीं बनी। और यहां हां, ये भी मत भूलिए कि फैक्ट्री में इन्होंने वादा किया था। ये कहते हैं ना कि हम वादा करते हैं, निभाते हैं, हम कभी झूठ बोलते नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। और ये भी मत भूलिए, उन्होंने कहा था कि 1500 नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था। किया था भाई, 1500 लोगों को फैक्ट्री में वादा किया था। इस अमेठी की बात है, देश की नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने अमेठी की लोगों की आंख में धूल झोंकी और सिर्फ 200 लोगों को काम मिला। और आज देश भर में रोजगार के भाषण देते घूम रहे हैं। अमेठी के मेरे भाई और बहनों, अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है।